ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे हुए भयानक रेल हादसे में अब तक 280 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों यात्री घायल हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इसी बीच भारतीय रेलवे का बयान भी सामने आ गया। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि ट्रेन नंबर 12481 कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा बाजार स्टेशन के मेन लाइन से गुजर रही थी, उसी वक्त अप लूप लाइन पर वे मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन पूरी रफ्तार में थी और उसे स्टेशन पर रोकना संभव नहीं था। इसका परिणाम ये हुआ कि 21 कोच डरेल हो गए और 3 कोच डाउन लाइन पर चले गए। हर स्टेशन पर दूसरी ट्रेन पास कराने के लिए लूप लाइन होती है। बहनागा बाजार स्टेशन पर अप और डाउन दो लूप लाइन है। किसी भी ट्रेन को लूप लाइन पर तब खड़ा किया जाता है जब किसी ट्रेन को स्टेशन से पास कराया जाना हो। इसी समय डाउन लाइन की ट्रेन 12864 यशवंतपुरा हावड़ा एक्सप्रेस बहनागा बाजार स्टेशन से गुजर रही थी और उसकी कोरोमंडल से टक्कर हो गई। इसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। उन्होंने बताया कि बहनागा बाजार स्टेशन पर भी कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस को पास कराने के लिए मालगाड़ी को कॉमन लूप लाइन पर खड़ा कराया गया था। कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज रफ्तार से मेन अप लाइन से गुजर रही थी। इस समय डाउन लाइन से यशवंतपुरा हावड़ा एक्सप्रेस भी गुजर रही थी। बहनागा बाजार स्टेशन पर इन ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, ऐसे में दोनों ही ट्रेन की रफ्तार तेज थी। बहनागा बाजार स्टेशन से गुजर रही कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक पटरी से उतर गई। पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस की कुछ डिब्बे मालगाड़ी से जा भिड़े, जिससे ये हादसा काफ़ी भयावह हो गया।